I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. आ गए हम दशरथ जी पे. And हमारे लिए ये सरप्राइज था जितना. I think आप लोगों ने भी ये पता नहीं आप इसको होप इसको लेके होप कर रहे थे नहीं कर रहे थे क्योंकि लास्ट वीक हमने एक पोल डाला था क्योंकि हमारा वीडियो आने वाला था लेकिन लेट्स प्ले अलोंग पोल पे तीन हमने ऑप्शंस दिए. हमें एक्सपेक्टेड था कि हमारा जो वीडियो जाने वाला है उस पे ज्यादा डिमांड है बिकॉज वो सबसे ज्यादा डिमांडेड भी है या कमेंट्स भी वैसे ही आते हैं. एंड जब देखा इट वाज लाइक दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने भयंकर ऊपर इतना डिमांडेड है ये कब हुआ क्योंकि कमेंट्स में ज्यादा नहीं दिखे थे इसमें वही तो हमने कहा कि ठीक है हमें भी सुनना पड़ेगा देखना पड़ेगा भाई क्या है ये कि हम लोग जिसपे करने वाले हैं उसको छोड़कर दूसरे पे हमें ज्यादा आ रहे हैं तो कर तो, रहे हैं और जबकि फिरू ढूंढता इतना ज्यादा रिकमेंडेड था इतना ज्यादा एंड येट इसको ज्यादा मिले वोट्स तो हमने कहा इस बार ये हो जाए. एंड आई थिंक इसके अंदर कहीं लिखा नहीं कवाली तो वी आर अज्यूमिंग कवाली नहीं होगा ये म्यूजिक छोटा है ड्यूरेशन में कंपैरेटिवली दूसरों से. एंड इसका कोई लाइव परफॉर्मेंस भी नहीं है नुसरत जी. अच्छा नहीं है क्या? नहीं किसी और का है इस पे आई थिंक दूसरे ने जिसने भी कवर बनाया यू नो उनका बहुत ज्यादा है तो दिस इज दैट हम नुसरत जी का चेहरा देख के उनकी आवाज सुन के हम इमेजिन करने वाले क्या मजा आता है उसका अलग फन होता है जस्ट हाँ ये जरूर होता है किसी और का म्यूजिक वीडियोस में ना हम उतना मिस नहीं करते वीडियो को जितना इसमें करते क्योंकि उनको देखना इसमें वो उनका भाई वो उनका एक ये टाइप का एक्शन है मस्त ये सारे ठीक है शुरू करते हैं छोटा सा वीडियो है तो कोई नहीं जाएगा और किसी को पाप नहीं लगेगा शुरू करते हैं. आग में जलते रहे
छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, अपनी कहानी कैसे कहे, अपनी कहानी कैसे कहे, अपनी कहानी कैसे कहे, अपनी कहानी कैसे कहे, अपनी कहानी कैसे कहे। बहुत मिसिंग पार्ट था यार इसमें, बहुत मिस किया उनको देखा, क्योंकि उनको देखना और उनकी कवाली बहुत ज्यादा लाइक ये सेम लिरिक्स अगर कवाली में होते ना तो हम और ज्यादा वो होते, ये और ज्यादा वो होता, डबल बेटर होता, जस्ट सो गुड। लेकिन पता नहीं वो ऐसे टाइप के जॉनर में भी हाँ वही गाया है, इनकी आवाज कितनी डिफरेंट है, लाइक इफ मुझे कोई बोले नहीं कि नुसरत जी, मैं पहचानूंगी नहीं कि नुसरत जी, मुझे ऐसा लगा ही इज नुसरत जी, लेकिन अनलाइक नुसरत जी, मतलब उनकी आवाज कहीं ना सेम है, लेकिन आई थिंक वो वाइब जो हम हमेशा सुनते हैं इट मेक्स द डिफरेंस, क्योंकि हमेशा हम कवालियों में देखते हैं। अरे उनकी आवाज में ना लोकल लैंग्वेज, लाइक हम लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे कि एक बेस्ती फील होती है, और इसमें वो नहीं था, डिफरेंट था, वही काफी डिफरेंट था। एंड ये कितना वो सूदिंग वाला आई थिंक पूरा ये जो मतलब इतना ऐसे ऐसे सुनते सुनते, मतलब कोई ऐसा दुख भरा गाना सुन रहा है, वेरी दर्द वाला, ये एक लाइन वाज वेरी दर्द वाला, दैट्स ट्रू। एंड इनकी लाइंस आई थिंक काफी हद तक जैसे अपनी कवालियों में लाइंस होती है, काफी हद तक वैसी ही थी, यू नो हाँ थोड़ा, बट कवाली में जस्ट बिकॉज हम उनको देखते हैं उनका वाइब मैच कर पाते हैं, वो थोड़ा मजेदार हो जाता है। इज वेरी रॉ, इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, ये इट लुक लाइक अ सॉन्ग, लाइक अ सॉन्ग, हाँ सैड सॉन्ग है थोड़ा,
इट वॉज अ सॉन्ग. इसमें इवन दो एक चीज कवाली से सिमिलर थी, हर लाइन पीछे रिपीट हुई. मजा आया. मैं सेम ये बोलने वाली थी, मैं मतलब डिफरेंट वे में बोलने वाली थी. आज मुझे प्रॉपर बैकग्राउंड सिंगर वाला फील आया, क्योंकि पूरे बैकग्राउंड में आई थिंक मैं तो गा ही रही थी उनके साथ साथ. जो लाइन गा रहा, लाइक ओके दिस इज फॉर मी, ये मैं रिपीट करने वाली हूँ. तो वो मजे वाला पार्ट था. प्लेबैक सिंगर है यार हमारे पास. कवाली में क्या होता है, वो इतना रॉ होता है कि वो आई थिंक वो डिसाइडेड नहीं होता कि कितनी बार कौन गाने वाला है. तो अचानक से ब्रेक होता है, वो गाने लगते हैं, सरगम होता है एंड एवरीथिंग. ये बहुत हद तक ऐसा था कि ठीक है अब वो एक लाइन गाएंगे, हम पीछे मैं ये लाइन गाने वाली हूँ, वो गाएंगे मैं गाऊंगी. तो काफी मजेदार था मेरे लिए. हमारा बजट इतना ही थे ऐसे ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट, बहुत ज्यादा इनके ऊपर के लेवल की चीजें. दिस वाज नाइस. एक्चुअली दिस इज अ सॉन्ग. यस दिस इज अ सॉन्ग. में से ज्यादा क्या होगा. एग्जैक्टली. इनके कवालीज आर द बेस्ट. या एनी डे कवाली नुसरत जी इज इक्वल टू नुसरत जी. या 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 सिंपल है. एकदम सिंपल है. ठीक है, हमने उनका फेस देख के उनको एक ये सबसे क्यूट है और एक और बहुत क्यूट है, जिसमें वो ऐसे कर रहे हैं. वो ऐसे लगते हैं भगवान के पिक्चर्स ही ऐसे हम जैसे इमेजिन करते हैं. तो इस लोग बहुत ही क्यूट सी स्माइल दे रहे हैं, एकदम सटल छोटी सी स्माइल. एंड ओके थैंक यू गाइस, वी हैड फन गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. टेक केयर. साइन डे. बाय.